दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर फिर वही दिल लाया हूँ। हमें आना पड़ा अपने उसी प्यारे गाने के ऊपर। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा दे रहा हूँ जड़ी बूटियों का, जिसमें न सोना है न चांदी है। ना मांगू सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, ये मेरे किस काम के, ओ हो दे 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 दे, फुटवाल वापस है मैं तो। हमें सिर्फ फुटवाल से मतलब है नुस्खा। मैं इसको एक बार बोलूँगा और फिर मैंने इसको लिखा है मेरे मोबाइल पे, जो आपके सामने करूँगा। अगर पिक्चर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें कंटेंट्स काफ़ी है और बहुत पुराना नुस्खा है ये, लेकिन ये इतना महंगा नहीं है। हाँ, अब मैं आप लिखना चाहें तो अश्वगंधा कूट गेरू छड़िला अजमोद त्रिफला सौंठी मुल्तानी बिदारी कंद धनिया मोथा मोचरस गज पीपल सेमर मूसरा कचूर दोनों मूसली पीपर पत्रज सौंठी गेहूं का सत्त दोनों जीरे जटामानसी भारंगी करंज की मींगी मुलेठी कमल गट्टा सिंगाड़ा काकड़ा सिंगी नाग केसर पुष्कर मूल सतावरी तालीस पत्र लवंग जायफल जावित्री दालचीनी सुपारी अगर दोनों चंदन चीनिया कपूर भृंगराज निर्गुंडी चूक, ये सब चीज़ें बराबर मात्रा में लेकर के और इनका पाउडर बना के रख लें। फिर पांच शेर गाय का दूध ला करके और उसका खोवा बनाएं। जब दो शेर रह जाए तो ये पाउडर उसके अंदर डाल दें और इच्छा अनुसार इलायची छोटी दाख और केसर और कोई अगर चाहें तो भांग, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, ये मिला देवें। दस दस ग्राम इसमें और मिला देवें, मिला करके और उसके बाद इसके इतने इतने लड्डू बनावें। लड्डू अब क्या साइज बताऊं मैं, ये थोड़ी बड़ी पड़ेगी साइज, आप तो वजन से ही मान लो 12 ग्राम का एक लड्डू बनावें एक तोले का। तो एक लड्डू सुबह खाएं, एक लड्डू रात को खाएं, 41 दिन उम्र 18 से 80 और ऊपर गाय का दूध पिए। तो ये लिखते हैं कि धातु क्षीणता कमजोरी नपुंसकता स्वप्न दोष सब ठीक होते हैं। भूख अच्छी लगती है, खुल के लगती है और कोई तरह की कमजोरी नहीं रहती। इसका नाम आप मदन मोदक रख लीजिए और मैं आपके सामने ये कर देता हूँ। अगर फोटो ले सकते हैं तो आप ले लीजिए।
अब इसको एक बार यूं कर दूं, ये नुस्खा जो है ये कमज़ोर नहीं है। ये मैंने नुस्खा जो लिया है तो ये सुप्रसिद्ध ग्रंथ आज दुर्लभ है, मिलता भी नहीं। इसका ग्रंथ का नाम भी आपके मैं सामने कर देता हूँ। इसका नाम है अमृत सागर। इससे ये नुस्खा मैंने आपके लिए निकाला है। मैं कभी ऐसे नहीं कि मैं किसी का वो चुरा के ले लिया रहे हैं, ऐसा काम नहीं करता मैं। ये 1637 के अंदर ये ग्रंथ प्रिंट हुआ, 1937 के अंदर 1937 में इसकी छपाई हुई। और ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ वहाँ का प्रिंट हुआ, और ये हमारे बूंदी स्टेट के राजे महाराजाओं ने जन कल्याण के लिए ये ग्रंथ बनवाया और इसको मान्यता प्राप्त है। अमृत सागर माना हुआ ग्रंथ है। आप मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाएं, ऐसे पुराने ग्रंथों से निकाल निकाल के आपको मैं दे रहा हूँ नुस्खे, बनाना तो आपको ही पड़ेगा। अब मेरी ताकत नहीं है कि इतनी जड़ी बूटियाँ मैं खरीद के बनाऊँ। आप तो युवा हैं, जवान हैं, कहीं से भी कोई चीज़ ला सकते हैं। थैंक्स।